फॉर मी जो चीज़ स्टैंड आउट करी वो है VFX, बहुत ही ज़बरदस्त VFX लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, शेर दिल का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि स्टार कास्ट है फिल्म की, मिकाल जुल्फिकार उसके अलावा हैं इसके अंदर, हसन नियाजी और लीड एक्ट्रेस में भी नज़र आ रही हैं अरवीना खान। अब हसन नियाजी जो है उन्होंने एक इंडियन पायलट का रोल प्ले किया है और जो सिचुएशन सारी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। फॉर मी जो चीज़ स्टैंड आउट करी वो है VFX, बहुत ही ज़बरदस्त VFX लग रहे हैं। एयरफोर्स पे इससे पहले फिल्म आई थी परवाज़ है जुनून, विच टर्न आउट टू बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, 35+ करोड़ बिजनेस अभी तक चल रही है। लेकिन मैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा, पर मुझे पर्सनली इसके जो VFX और इसके शॉट्स लगे हैं जो इन द एयर, वो मुझे परवाज़ है जुनून से बेहतर लगे हैं। असफर जाफरी द डायरेक्टर, ये उनकी फोर्थ फीचर फिल्म हैज़ डन फैंटेस्टिक जॉब विद दैट। उसके साथ अगर हम बात करें जो करंट सिचुएशन है, जो स्टोरी लाइन नज़र आ रही थी थोड़ी बहुत हमें इस ट्रेलर से, वो नज़र आ रही है एक सर्जिकल स्ट्राइक की भी, कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक करने आ रहा है, पाकिस्तानी जेट्स हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो उनको पुशबैक कर रहे हैं। अब वो बड़ी करंट सिचुएशन से मिलता जुलता है कि जो इस तरह इंडिया क्लेम कर रहे हैं इस वक्त बालाकोट एयर स्ट्राइक का, और किस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको जवाब दिया और किस तरह उन्होंने पुशबैक किया। अब ये बड़ा ही उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, द वे ARY मार्केट्स देयर फिल्म्स, दिस इज़ द परफेक्ट ट्रेलर दे हैव टू रीच आउट टू द ऑडियंसेज, जो एक वाइड ऑडियंस को रीच बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। आई एम श्योर ARY वो कर लेगा। और अब आते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ, ये फिल्म रिलीज हो रही है 22 मार्च को, और 22 मार्च इज़ ए वीकेंड जो कि एक हॉलीडे वीकेंड है, क्योंकि 23 मार्च एक दिन बाद है सैटरडे को, तो बड़ा ही ज़बरदस्त रिलीज डेट बन गया है, बिकॉज 23 मार्च के साथ ये जो इवेंट है हमारा रेजोनेट हो रहा है विद द थीम ऑफ द फिल्म। तो फिल्म की ओपनिंग मैं तो बड़ी अच्छा मुस्बत हूँ इस बारे में कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी होगी। सिर्फ ट्रेलर में मुझे एक खामी नज़र आई, वो ये थी कि अरवीना खान को ज़्यादा नहीं दिखाया गया। शी वॉज लुकिंग स्टनिंग इन दैट सॉन्ग सीक्वेंस जो दिखाया गया, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि एक ट्रेलर के अंदर लीड एक्ट्रेस का कोई डायलॉग नहीं है, उनका हम कोई करेक्टर नहीं दिखा रहे। सो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। प्लस अरवीना इज़ वेरी वेल नोन सेलिब्रिटी जिसके नाम पर आपको अच्छी खासी एक बज़ मिल सकती है, सो वाई शी इज़ नॉट शोन इज़ ए सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर मी। समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है, शायद कोई मेकर्स का उनके साथ कोई झगड़ा है या क्या, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा। ओवरऑल ट्रेलर लुक्स वेरी गुड, बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रेलर लग रहा है, एंड आई एम होपिंग अ वेरी गुड स्टार्ट। और VFX स्टैंड आउट कर रहे हैं और डायलॉग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। असफर जाफरी हैज़ डन वेरी गुड जॉब, मिकाल इज़ लुकिंग वेरी गुड, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी एंड आई एम लुकिंग फॉर इट ऑन 22 मार्च।